दोस्तों यूँ तो हरिद्वार में घूमने की और जो धार्मिक स्थल हैं उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान हैं हरिद्वार में जो धार्मिक ना होते भी अपनी जो प्राकृतिक छटा के कारण अलग ही महत्व रखते हैं। और इसमें से एक स्थान जो है आपका हरिद्वार से जब हम देहरादून जाते हैं और सर्वदानंद घाट के पहले जो हमारा राइट साइड है, अगर देहरादून जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में ये बहुत ही सुंदर एक जगह है जहाँ पर कि नील धारा से एक हमारी जो धारा है माँ गंगा की उसको इस तरह से देखिए आप डाइवर्ट करके जो हर की पैड़ी की तरह मोड़ दिया गया है। और यहाँ पर एक आपको मैं चबूतरा दिखाता हूँ, कितना सुंदर चबूतरा बना हुआ है। यहाँ पर अगर बाहर से आए तो आप फोटोग्राफी कर सकते हैं बढ़िया से और छोटी सी पिकनिक बच्चों के साथ कर सकते हैं, बच्चे भी इस चीज़ का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आकर देखिए आप कितनी सुंदर भव्य जगह है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप बाहर से कहीं आएँ और आप खाने का सामान आप लाएँ, प्लास्टिक वगैरह बोतल वगैरह ले जाएँ तो उसको अपने साथ ही ले जाएँ, यहाँ गंदी यहाँ पर फेंक कर ना जाएँ, क्योंकि इससे जो है पर्यावरण ख़राब होता है। और आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको एक आनंद ही अनुभूति होगी आनंद की। ये देखिए दोस्तों, जो माँ गंगा के दर्शन यहाँ पर होते हैं वो हर की पैड़ी पर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर की पैड़ी पर माँ गंगा के जो है वो दिव्य दर्शन है और यहाँ पर आपको प्राकृतिक छटा माँ गंगा की दिखाई देगी। तो दोस्तों मुझे आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव, जय माँ गंगे, हर हर गंगे।